एलपीजी ग्राहकों को मिलता है 50 लाख रुपए तक का बीमा। जान लें पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको बता दें कि एलपीजी इंश्योरेंस एक दुर्घटना बीमा है और इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होता है, क्योंकि यह बीमा पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत आता है। ऐसे में सभी एलपीजी कंपनियां यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने रसोई गैस के ग्राहकों का इंश्योरेंस कराती हैं। अब यदि खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ रसोई गैस सिलेंडर में किसी भी कारण से ब्लास्ट होता है तो गैस कंपनियों को नियम के मुताबिक बीमा देना होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की भी कई कैटेगरी हैं और इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से इंश्योरेंस की राशि मिलती है। एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट होने पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। यदि किसी कारणवश एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट में किसी की मौत होती है तो गैस कंपनी प्रति व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपए देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 सालों से किसी ने बीमा के लिए दावा नहीं किया है। यदि किसी कारणवश गैस सिलेंडर से हादसा होता है तो सबसे पहले आपको स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी होगी। इसके बाद अपनी गैस डिस्ट्रीब्यूटर को पुलिस रिपोर्ट की कॉपी के साथ लिखित में जानकारी देनी होती है, दर्ज करानी होती है। इसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सीडेंट के बारे में लिखित सूचना देनी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इस रिपोर्ट को गैस एजेंसी तक पहुंचाता है। अब जांच के लिए गैस कंपनी की एक टीम आएगी और यही टीम भुगतान की राशि तय करेगी। किसी की मृत्यु की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट देना होता है, तभी आपको इंश्योरेंस मिल पाएगा। वहीं एक्सीडेंट की स्थिति में मेडिकल बिल और दवा का भी बिल देना होता है। उसके बाद एक बिल बनेगा जो कि ऑयल कंपनी अदा करेगी।